हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट की थी और कुछ बेसिक चार पांच क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। आज इस वीडियो में और भी बहुत सारी वैरायटी हम आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं इनको हम कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ फ्यू मिनट्स में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इस टॉपिक को रिवाइज करने में हेल्प कर सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब आप इनको यूज़ करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है। अब वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर डालेंगे वन प्लस टैन स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस और सीकेंट इनवर्स होते हैं आपस में। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? वन आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टेक एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है? वन होती है उसकी वैल्यू। तो आंसर इज न्यूमरेटर में आ जाएगा वन। देन नीचे रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर लो, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर लिया। अब वन अपॉन साइन क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर है हमारे पास टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करना है। राइट पे क्या है? देखो साइन है, तो आप कोशिश करिए इन दोनों को भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब टैन थीटा, सबसे पहले टैन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और सीकेंट थीटा को कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर हो गया। टेकिंग एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट, कॉस थीटा एलसीएम, अंदर क्या बचा मेरे पास? साइन थीटा प्लस वन। अब क्या करेंगे? अब हम इनके स्क्वायर्स अलग अलग करेंगे। मतलब इस तरह से करेंगे, साइन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे इसका स्क्वायर हो गया। मतलब स्क्वायर अलग अलग कर दिए, ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया, क्योंकि मुझे आंसर में साइन चाहिए अकेला, कॉस नहीं चाहिए। तो कॉस को किसी तरह से साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनके स्क्वायर्स अलग अलग किए हैं। कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे लिख रही हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ ऊपर को? साइन थीटा प्लस वन इंटू साइन थीटा प्लस वन। दो बार लिख लिया, वही मतलब होता है स्क्वायर का भी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि नीचे मैं आइडेंटिटी लगाने वाली हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वन प्लस साइन थीटा एंड वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या करने का फ़ायदा होगा? यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन थीटा, जो मुझे प्रूव करना था।
तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका जो आंसर है वो आप आंसर तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है 1 cos A / sin A प्लस साइन ए बाय 1 cos A इक्वल्स टू 2 cosecant A। ठीक है, तो 2 cosecant A, आपको secant जो होता है वो 1/sin होता है, ठीक है ना। तो अब हमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ साइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं क्या ले सकती हूँ, LCM ले लूँगी। सबसे पहले LCM क्या आएगा इसका, साइन ए इंटू 1 cos A, साइन ए इंटू 1 cos A। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 cos A का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं होल स्क्वायर्स को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर का मतलब 1, बी स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर a प्लस 2ab का मतलब 2 cos A प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a इंटू 1 cos A। इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है, अब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होती है आइडेंटिटी, 1, एक 1 ऑलरेडी है, 1 + 1 हो गया प्लस 2 cos A, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन a इंटू 1 cos A, ठीक है। अब यहाँ से न्यूमिनेटर में क्या बन गया, 1 + 1 2 2 + 2 cos A। यहाँ पर एक मिस्टेक, ज़्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे, 1 + 1 + 2, 2 को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ cos A लगा है। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, 2 + 2 cos A डिवाइडेड बाई साइन a इंटू 1 cos A, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आया मेरे पास, 1 cos A, नीचे क्या है मेरे पास, साइन a इंटू 1 cos A, cos A कैंसिल, 1 cos A कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2/sin A, यही चाहिए था हमें, और 2/sin A का मतलब हो गया 2 cosecant A। तो मैंने पहले ही कहा था कि नीचे क्या है हमारे पास, साइन a है। किस तरह से हमें साइन ही चाहिए राइट हैंड साइड में, कॉज को हमने इस तरह से कैंसल आउट कर दिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रही हूँ। इनको करने का एक तरीका होता है, वो आपने बस याद रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो वही जो मेथड है वो अप्लाई करना है। अब यहाँ से √1 - sin θ / 1 + sin θ, जब भी रूट में इस तरह से हो तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - sin θ / 1 + sin θ, रूट के अंदर ही इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर 1 + sin θ है तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को विद द ऑपोजिट साइन, तो 1 - sin θ के साथ रैशनलाइजेशन कर ली। अब यहाँ से क्या मुझे मिल गया, 1 - sin θ का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - sin θ 2 बार था तो इस तरह से लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1 + sin θ × 1 - sin θ। ये क्या है, a + b × a - b का फॉर्मूला, a² - b² इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, 1² - sin² θ। अब ऊपर वाला देखिए, न्यूमरेटर जो 2 रूट है वो इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ से मेरे पास मिला मुझे 1 - sin θ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - sin²θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos²θ, तो cos²θ आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप रिमूव करिए रूट, रूट के अंदर से जो चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी क्योंकि इसका स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, cos²θ में से क्या बाहर आएगा, cos θ बाहर आ जाएगा, रूट ख़त्म हो गया। रूट ख़त्म होने के बाद मुझे राइट पे अभी क्या बनाना है, सीकेंट और टैन बनाना है। तो क्या करने को करूँगी मैं, इनको अलग अलग कर लेती हूँ, 1/cos कर लिया, sin/cos कर लिया। अब 1/cos क्या होता है, sec θ, और sin/cos क्या होता है, tan θ। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जब आप रैशनलाइजेशन करने के बाद इस तरह से स्टेप पे पहुँचेंगे तो एक स्टेप आगे फर्दर करना होगा आपको, और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा।
मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अब यहाँ पर है हमारे पास कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कॉज ए, टैन ए प्लस कॉट ए को वन प्रूफ करना है आपको. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने जा रहे हैं. कोसेकेंट को कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसको साइन ही रहने देते हैं, ठीक है. देन सीकेंट ए को कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉज लिख सकते हैं, कॉज ए को ऐसे ही रहने देते हैं. टैन ए और कॉट ए यहाँ को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हम लिखेंगे टैन ए को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, और कॉट ए को लिखते हैं कॉज ए अपॉन साइन ए. तो देखिए मैंने सारा का सारा जो है लेफ्ट हैंड साइड उसे साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लिया है. तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए. उसके बाद टेकिंग एलसीएम फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा. ऊपर क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए. सेम वे फॉर द सेकेंड ब्रैकेट, कॉज एलसीएम ले लिया कॉज ए, और वन माइनस कॉज स्क्वायर ए बन गया. थर्ड ब्रैकेट में भी ऐसे ही करेंगे, कॉज ए साइन ए एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, ठीक है. अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए. फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होकर ये बन गई, वन माइनस कॉज स्क्वायर ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, ठीक है. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए वन बन जाता है, डिवाइडेड बाई कॉज ए साइन ए, ये थर्ड ब्रैकेट बन गई. अब आप कैंसिल आउट करके देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं. अब देखिए साइन ए से एक साइन ए यहाँ से कट गया और दूसरा साइन ए यहाँ से कट गया, मतलब नीचे भी साइन स्क्वायर ए था, ऊपर भी साइन स्क्वायर ए था. यहाँ पर दो कॉज ए हैं, यहाँ पर भी कॉज स्क्वायर ए है, तो आंसर क्या बचा, वन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर काफ़ी वैरायटी डिस्कस कर ली है. आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है. अब आप इनको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें. हैव ए नाइस डे.